बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है और माशाल्लाह से रोज़ा जो है वो रखा जा चुका है और मैं अपनी एक नई एनर्जी लेकर ना नए व्लॉग में हाज़िर हो चुकी हूँ। तो सुबह का टाइम में तड़के तड़के मैं अपना सारा काम निबेड़ लिया, यानी कि सारी सफाई जो है वो मैंने घर की कर ली है। और दूसरा काम मेरा होगा फजर को स्कूल भेजना, तो फजर को मैं उठते ही शुरू हो जाती हूँ। फजर बेटी उठ जाओ स्कूल जाने, उठ जाओ स्कूल जाने, बस वही रूटीन होती है जैसे छोटे होते थे और अम्मी हमें बुलाती थी। लेकिन खैर मैं काफ़ी ज़िम्मेदार थी तो बहुत जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि सारी बहनों की शादी हो गई थी और मैं आखिरी वाली थी। तो फिर मैं जो है काम करवाती थी अम्मी जान के साथ, क्योंकि अम्मी की सेहत अच्छी नहीं रहती थी इस वजह से। तो अभी फजर को मैं बुला रही हूँ कि आप उठ जाओ, लेकिन फजर ने नहीं उठना। ये नई जनरेशन है तो इसको मुझे उठाना पड़ेगा। मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ और फिर जो है ना फजर को उठाते हैं। और माशाल्लाह जी सुबह सुबह बहारें लगी हुई हैं। हमारे जो फूल हैं, ये तारिकस्तान में दो फूल मेरी जब मैं बीमार थी ना उस टाइम लगाए हैं, एक वो वाला और एक ये वाला। और इनकी सारी शाखें जो है वो उतार दी हैं ताकि इन पर ना ज़्यादा वजन ना, अभी ये दोबारा से शाखें निकालेंगे। एक वो निकला हुआ है माशाल्लाह। और सुबह जब सफाई हो जाती है ना घर की, तो अम्मी जान कहती है कि सफाई दे विच खुदाई होंगी है। और उस साइड पे चेक करें दोनों ये लड़ाई करती हैं रोज़ ही। खुद को शीशे में देखती हैं ना तो लड़ना शुरू हो जाती है। मैंने कहती हूँ, ये कहती है कि मैं खूबसूरत हूँ या मैं खूबसूरत हूँ। अभी वो खुद को देख रही है बैठ के चिड़िया। हाँ शेर उठ जाई। शाबाश, अच्छी बच्ची है फजल बेटी। तो जूता पहनो, बहुत जूते लगा के रखे हैं। आपको ऐसे फेंक के सो जाते हो आप लोग। आज हम दो क्या हो पे है ओले ओले, क्या सब खिड़ी चुकी चुपे। शाबाश मेरी बेटी, बड़ी समझदार है। मैंने कहा आजकल ये बेचारे जल्दी जल्दी उठते हैं ना लेट हो जाते हैं, लेकिन मैं इनको छोटी छोटी रोटियां भूरी बना के ना बाहर डालती हूँ। इधर खाने को इनको नहीं कुछ मिलता। अभी फजर बेटी जो है उसको मैं नाश्ता बना के दूंगी, एक अंडा और पराठा, वो भी सिलेंडर पे। अब आग नहीं जलाएंगे क्योंकि फजर जो है वो कहती है कि सहरी वाली रोटी जो है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मैं नहीं खाती। पहले इतनी नखरे से खाती है तो फिर वो खाती नहीं है इसलिए। और माशाल्लाह जी सुबह ही जो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, इधर चेक करें। तारिक साहब और मेरी रोज़ ही लड़ाई होती है। तो ये लीमू का पौधा बनाकर लाए थे, लेकिन ये पौधा और था। तो तारिक साहब का भी कसूर नहीं और पौधे का भी कसूर नहीं, क्योंकि इसकी जो जो शाखें जो हैं वो पेवंद हुई हुई थी ना, उन पे देखिए फल लगना शुरू हो चुका है। और इधर चेक करें जी, एक और चीज़ भी दिखानी थी। आज सुबह सुबह ठीक हो गए हैं तो सब खुशखबरियाँ दें ना। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी लग चुके हैं हमारे, इधर इतने फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह। तारिक साहब ऐसे एक बात है, आप वो स्प्रे वगैरह लेकर आए, ये देखो अभी ख़राब हो रहा है, ख़राब हो रहा है ना। नहीं ये साथ में से एक और निकल रहा था, ये जुड़वा है। नहीं करो, नहीं करें, नहीं करें, फूल नहीं उतारे ऊपर से। तो ये देखें बहुत सारे हमारे ये भी लग रहे हैं। और इस साइड पे इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सुबह सुबह। अभी पता नहीं ये लीमू तो नहीं है, खट्टी निकलती है, क्या चीज़ निकलता है। तो खैर जो जो शाखें पेवन थी ना उन पर लग चुके हैं, फल लग चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये फल बड़ा होगा तो फिर हम सबको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। चले खैर अभी सुबह सुबह बातें कम करते हैं और आज काम बहुत ज़्यादा करने हैं, क्योंकि जब सेहत ख़राब होती है और उसके बाद जब सेट होती है ना, तो उस टाइम बहुत सारे काम पड़े होते हैं करने वाले। तो इंशाल्लाह आज करेंगे और आपने व्लॉग के साथ जुड़े रहना। फ़िलहाल फजर का मुँह हाथ धुलवाते हैं। चल बेटी मेरी सोनी, पहले हाथ इधर करो, तेरे बाल धुआं है जो फजर वाल दो भी। अम्मा तेल ला छड़े आज तो बाल थोड़े थोड़े ना वो हो रहे थे, क्योंकि इस हजर की दादी जान ने ना तेल लगा दिया। तो मैं इसको पहले तेल लगाती हूँ और उसके बाद सर वॉश करने के बाद ना फिर तेल नहीं लगाते हैं, तो फिर वो बाल जो है वो सिल्की सिल्की रहते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में तेल लगा दिया, ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। चले जब वापस आएगी तो फिर इसको सर जो है वो धो देंगे। इधर शेर उठ के क्या कर रहे हैं सुबह सुबह।
क्या हो रहा है, उठ जाओ। फजर के काम जाग कर ले अभी। फजर मोहम्मद सुबान का मुंह धुलवाना है, ये उठ नहीं रहा था, इसको उठाया। हाँ फौजी उठ गए, छोड़ दो मोटे को, मोटा है ये। चलो अब जी मैंने बच्चों का नाश्ता जो है तैयार कर लिया, तो नाश्ते में तैयार किया हमने एक पराठा और एक ही अंडा। और मौसम जो है वो अभी फिर से बादल बन गए, जैसे हम सुबह जो है सूरज था जैसे मैंने आप सबको दिखाया, लेकिन अचानक से जो है हर तरफ बादल हो गए। फजर बेटी जो है वो अंडा शौक से खाती है। हाँ जी बादल, हाँ जी बादल आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद आपने पढ़ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, उन्होंने मुझे रिज़्क अता किया। जैक को खाना डाल दिया, अभी कवन ने अगर खाने दिया तो बाकी का डाल देते हैं मुर्गियों को। तारिक साहब ने छोटे छोटे बारीक बारीक भोरे किए। हा हा हा, असल में मुर्गियाँ हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरती हैं। जो हमारा वो बड़ा डॉगी है ना, अभी वहाँ के उधर चला गया, वो बड़ा तंग करता है, तो वो हमें भी काटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बड़ा अभी सीखा हुए नहीं किसी से लिया है। हा हा, इधर 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 इधर, हा 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 हा, नीचे डालने को दिल नहीं करता रोटी। चौथी मुर्गी कहाँ आ गई है? एक मुर्गी और होनी थी, दो मुर्गी हैं। हा 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 हा, वो फेर रही है ऊपर। चले जी, तो फजर बेटी भी स्कूल जा चुकी है और हमारा जो काम था सुबह का बस यही था, वो हो चुका है। और अब हम करेंगे ये वाला गन्ना, इसको छोटा छोटा और इसको लगाते हैं। तारिक साहब ये चल चल मोहम्मद सुबान, चलो चलो बाबा हाजी साहब आजा। सूजी किसी को देख रही है मेरे ख्याल में ना। तो अभी जी घर का सारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी इस वाली सरसों की कटाई, क्योंकि ये पक के तैयार हो चुकी है। आज हम इसकी ना कटाई करेंगे सारी की। ये साथ साथ में काफ़ी सारा घास जो खड़ा है ना, इसकी भी कटाई हो जाए तो ये जानवरों को डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमने सरसों की कटाई शुरू कर दी है। और असल में उस साइड पे आ गई थी कुछ खवातीन, इनकी मुस्तहिक फैमिलीज़ थी, तो तारिक साहब जो है वो उधर चले गए थे, उनको जो है हमने यानी कि ईदी दी है, तो वो लेकर चली गई। अभी तारिक साहब भी आ गया और मैंने यहाँ से कटाई जो है वो शुरू कर दी है, तो मैं अकेले नहीं कटाई करूँगी, साथ वाले भाई और सिस्टर जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे, तो हम सारी फैमिली मिलकर इसकी ना कटाई करने लगे हैं। वो भी आ चुकी है और तारिक साहब और मैं भी आ चुकी हैं। और आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, बादल बने हुए हैं, तो इसकी कटाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये वाली काटी है तो अभी मुझे पता चल रहा है। तो बस इसको इसी तरह काटते जाएंगे और ये जो ऐसे इसके नीचे वाले खड़े हैं ना, इनके ऊपर ऐसे करके रखते जाएंगे। बिल्कुल नीचे से इसकी कटाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर नीचे से काटेंगे तो फिर तो इसको मशीन में करना पड़ेगा, लेकिन हमने इसको मशीन में नहीं करना है, ये हमारी थोड़ी सी है, तो हम इसको हाथों की मदद से कूट फाट के इसमें से सरसों निकाल लेंगे। ये होगी ओरिजिनल सरसों जिससे हम तेल निकालते हैं, और उस तेल को हम पकोड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, खानों में भी, जिस चीज़ में मर्ज़ी इस्तेमाल करें, और मैं तो खसूसी तौर पर अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये हमारे जानवरों के लिए ही काफ़ी है। तो अब बातें जो है वो कम करते हैं और जल्दी जल्दी जो है धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी सरसों जो है वो ज़्यादा पक चुकी है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी इस वजह से फिर हमने शुरू नहीं किया, तो आज जो है ना हमने कहा इसको हम काट ही डालते हैं। मैं भी आना? हाँ जी आ जाओ। तो अभी जी तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं और सरसों की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कौन? अरे बस नंबरदारी करनी। सूजी सूजी बड़ा तंग करेंदा है। इधर आओ। तो सरसों ज़्यादा पकने की वजह से हमारी ना ख़राब हो रही है।
खराब होंगी जी टाइम को ही लगना धड़ धड़ लगे रहो एक दो दातरियां और किसी को मांग लेने हाँ जी ये देखिए यहाँ से हम लोग लगे हैं और ये वाली सारी चुंड जो है ना वो हमने तार ली है उन हमसायों से एक दो दात्रियाँ जो है ना वो और मांग के लाते हैं और फिर लग जाएंगे आ जाओ जवानों लग जाओ तो अभी मैं यहाँ से नज़र आ रही हूँ वाली सारी पास मैं लाई यानी कि यह वाली साइड मैंने किया और उस साइड पे जो है ना साथ वालों ने किए साथ वाले हमसाए हमारे अभी तारिक साहब जो है ना वो ड्रिप का इंतज़ाम कर लें क्योंकि जब बंदा काम करता है ना फिर तबीयत ख़राब हो जाती है और बस दफ़ा ऐसा होता है कि काम करने से भी तबीयत सेट रहती है ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था हो गया माशाल्लाह से वैसे तो मौसम जो है वो बादल है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है किस चीज़ की हमारे पास आज या कल दो दिनों में बारिश आएगी सही है फिर अच्छी बात है कि हमने अपनी ये वाली काट ली है वरना ये ख़राब हो जानी थी तो अभी तारिक साहब ने बोला है कि दात्री जो है ना वो मुझे दे दे क्योंकि ये हमारे पास तीन ही थी चार नहीं थी उधर से एक ही मिली है तारिक साहब में और बारी बारी बल्कि अब ये आए हैं वो सारी आप दात्री लेने गई थी वो इतनी बड़ी पात किसने लाई इतनी बड़ी पात किसने लाई ज़्यादा तो मैंने की है ना मैं इत बेकार दात्री नाल सारी कीती जोर लेंदी सारे काट के जो है चले गए और यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो रह गई थी मेरे हिस्से की ये रह गई है और थोड़ी सी जो है वो रह गई है तो आखिरी बार काटते काटते जो है ना इधर ज़ख़म हो गया ये वाले जो है ना ये बड़े सख्त होते हैं ये लग जाते हैं हाथ पे दो जगह पे लगा एक यहाँ पे लगा और एक यहाँ पे चलो खैर साढ़े हाथ भी बड़े सख्त हैं काम कार करते ना ये थोड़ी थोड़ी इसमें थी दाना दाना मैंने कहा कतरे कतरे से दरिया बनता है ना तो ये भी ज़ाया ना हो इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी ये चारा जो है काट के जानवरों को डाल देंगे तो आज जो है धूप नहीं है बज़ाहिर धूप नहीं है लेकिन हवस इतनी ज़्यादा है ना तो मुमकिन है कि बारिश जो है वो आज या कल एक दो दिन में आ जाए आ गए हो आप मैं भी आ रही हूँ चले जी फाइनली हमारी सारी सरसों जो है उसकी कटाई हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और आज तारिक साहब एसी लगा दे आज एसी लगाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सबकी फरमाइश भी है हाँ जी सबकी फरमाइश भी है एसी लगाने की चलिए जी अब फिर तबीयत गड़बड़ करेगी चलो
तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सरसों हमारी जो है उसकी सारी कटाई वगैरह जो है वो कर ली, और यहाँ पर तारिक साहब फिट कर रहे हैं जी पंखा। ये हमने पहले ऐसे ही लटकाया हुआ था लेकिन फिट नहीं किया हुआ था, पहले था इस गर्डर के साथ, ये ना थोड़ा नीचे आ रहा था, तो इसलिए तारिक साहब जो है ना इसको कर रहे हैं टेयर के साथ। ये पंखा नहीं है हमारा, एसी है। अच्छा चलो सही है, एसी। तारिक साहब बोलते हैं कि एसी बोलना है, पंखा नहीं बोलना, इसको साफ भी करना है। जब चलता है ना तो इस कमरे में वो एसी वाली फीलिंग आती है। तो ये क्या चीज़ है? ये माचिस के तेल है। इसको क्या कर? ये पाकिस्तान जुगाड़ है ना, पाकिस्तान जुगाड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे आए और हमारा सर फोड़ दे। बेटा जुगाड़, पाकिस्तानी जब जुगाड़ लगाते हैं ना तो वो महंगे भी पड़ते हैं जुगाड़। नहीं मैं अभी फजर को लेने जाऊंगा ना, पीने लेके आऊंगा इसमें डालने के लिए। सही। तो बाहर गर्मी जो काफ़ी ज़्यादा थी, पसीने से टोपी जो है ना उसमें भी काफ़ी पसीना है। अभी एसी लगा लें। हाँ जी, इस कच्चे मकान में एसी की ज़रूरत नहीं है, एसी यही है पंखा। चले तो वो एसी की तरह ऐसे ठंड हो जाता है। देखना इधर वाले लगाना नहीं, इधर कैसे लगेगा? इधर लगता है दरमियान में लगना है, फिर तो वो इस गटर के साथ लगेगा नहीं। नहीं नहीं, गटर के साथ क्यों? पंखा गटर के साथ नहीं लगेगा जब चलेगा तो। चले लगाएं, जैसे भी लगाते हैं। सट लग गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हमारा एसी जो है वो लग चुका है, अब हम इसको चलाते हैं। पहले तारिक साहब ने इधर लगाया था, वो छोटा जो था लेकर आए ना, वो होल्डर जो बोलते हैं उसमें, लेकिन मैंने कहा वो छोटा है, पंखा गिरने के खतरे है, तो हमने जो गटर के साथ लगाया हुआ था ना बड़ा, उसके साथ अब पंखा लगाया। चलाऊँ अब? पहले चेक कराओ लगेगा तो नहीं, आगे नहीं लगता, नहीं लगता। अब मैं इसको ना चलाती हूँ, चलना बटन चल गया। बस फिर की सही खड़ी आई, सही। चले जी अब इसको फुल चला के देखते हैं। तो वैसे तो बादल है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी लाइट है कि पंखा भी चल सकता है, हमारी फ्रिज भी चल रही है, बल्ब भी चल रहे हैं, और साथ में हमारी मोटर जो है पानी वाली वो भी चल रही है, और शुक्र अल्लाह ताला का। अब हमारा एसी जो है वो लग चुका है, हमें और मज़ीद एसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कच्चे कमरे में जब पंखा चलता है तो फिर वो एसी वाली हवा देता है। अब ये ठंडा ठंडा माहौल बन चुका है, बस ये है कि अब मैं लगाऊंगी कमरे में तपड़ी, सारा जो है ये ख़राब हो चुका है, तो इसमें तपड़ी जो है वो मैं लगाती हूँ हर रोज़ तकरीबन, बस जब से तबीयत ठीक नहीं है तब से नहीं लगाया, थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसकी सफ़ाई वगैरह करते हैं, और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।